नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 10 मई 2024 को ये वीडियो बहुत एक पारिवारिक अपनों से बात करने जा रहा हूं। मैं ये वीडियो में मेरे उन स्टूडेंट्स से, मेरे उन अभिभावकों के लिए शूट करने जा रहा हूं जो सेशन 2021, 22, 23, 24 पिछले 4 साल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से जुड़े सीएलसी के साथ, चाहे आपने टेलीफोन इंक्वायरी से पता किया हो, चाहे आप खुद फिजिकली आए होंगे, टोकन बना के इंक्वायरी एडमिशन की होगी, या आप ऐसे घूमने सेल से आगे होंगे, उनमें से बहुत से बच्चों के एडमिशन हुए, कुछ के नहीं हो पाए, कुछ ने साइंस ली नहीं, बहुत प्रकार के अपने इस 4 साल के दौरान हमारे संपर्क में आए। तो सबसे पहले तो मैं 21, 22, 23, 24 में जो भी हमारे संपर्क में सेल से आए हुए बच्चे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में जिनका एडमिशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। लेकिन पिछले 2-3 महीने से ऐसे बहुत बच्चे संपर्क में आए कि सर 21 में आपके 11th की इंक्वायरी करने आए थे, फिर एडमिशन नहीं हो पाया, फिर 23, 24 में एग्ज़ाम दी, फिर अन्य कोचिंग में चले गए थे, अब 24 की एग्ज़ाम के बाद हम चाहते हैं कि 25 में आपके पास ही आएँ। ये 24 के एग्ज़ाम से पहले लोग करना स्टार्ट हो गए थे। फिर जैसे ही 24 के रिजल्ट डिस्प्ले हुए, आप सब जानते हैं कि नीट में जहां 2023 में आपकी सीएलसी के 700 पे 2 ही बच्चे थे, इस बार बढ़ के 43 बच्चे क्लासरूम सीकर क्लासरूम से हैं। ऐसे जेई की बात करें तो 2023 में 98% से ऊपर 17 बच्चे थे, वो बढ़ के 64 बच्चे हुए। काम हमेशा अच्छा किया सीएलसी ने, वो चाहे 96 हो चाहे 24 हो। 96 मतलब जब हमने कोचिंग शुरू की थी। बट इस साल अब तक का श्रेष्ठ काम हुआ सीएलसी में, इसका प्रमाण इस साल रिजल्ट है। तो जो साथी हमसे इस साल नहीं जुड़े हुए थे, वो कहेंगे साहब इस साल ऐसा क्या था कि आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया? बिल्कुल था साहब। इस बार क्या, साहिल और समर मेरे दोनों बेटे, वो बिल्कुल फ्रंट पे आके खेले। मुझे इस वीडियो में इस बात को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं एक विधानसभा चुनाव लड़ने चला गया था बीच में, ऐसे आदेश था पार्टी का, तो मुझे उस आदेश की पालना भी करनी थी। तो मेरे बेटों ने 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी फुल फ्रेश फ्रंट पे खेले। और सबसे बड़ा मजा आया कि मेरे और मेरे टीम के बीच उम्र का गैप हो रहा था एक, जो मैं 50-52 पे हूँ, टीम 30-35 पे है। तो कई बार स्टाफ के साथी, टीम के साथी मेरे से सारी बातें खुल के नहीं कर पा रहे थे, लेकिन साहिल और समर से तो कुछ का सारे बड़े उम्र में। तो वो फ्रेंडली काम किया उन लोगों ने, उसकी देन है कि जेई को 4 गुना किया और नीट को तो कितना गुना किया आपके सामने है। दोस्तों, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, यदि आप 2025 की नीट और जेई का सपना पालते हैं, तो आपको 16 मई 2024 से आपकी अपनी सीएलसी नीट और जेई के सेपरेट बैच स्टार्ट करने जा रही है। सीकर भी, अलवर भी, जयपुर भी, बीकानेर भी। आज अलवर, जयपुर, बीकानेर, सीकर चारों जगह हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी। हाँ, एनडीए केवल अपना चलता सीकर में है। तो मैं उन मेरे बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी कारणवश पिछले 2-3 साल में सीएलसी से नहीं जुड़ पाए और जेई नीट का सपना आपका पूरा नहीं हुआ, तो आप अभी इस सेशन वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं केवल बात नहीं कर रहा हूँ साहब, पुराना बच्चा कोई 22 का आज सील से आता है ना, तो यदि उस सील सी के नोट्स को देखेगा तो आपको पता है बायो का हमारा पूरा नोट्स कलर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट ईयर भारत सरकार ने एनसीआरटी को अपडेट किया, 11th-12th के सिलेबस को चेंज किया, तो 11th-12th सिलेबस है वो आप जानते हो नीट और जेई में है। ये साहिल और समर और टीम की देन है कि 2025 का जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो 2024 से बिल्कुल अपडेट कर दिया। एक ही संस्था है देश में जिसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है। ये रिजल्ट इस बार हमारा जेई और नीट का इम्प्रूव हुआ ना, इसमें बड़ा रोल इस सॉल्यूशन का भी है। जैसे फिजिक्स का नोट्स आपने बच्चे को दे दिया, अब उसका सॉल्यूशन नहीं है, बच्चा रात को घर पे क्वेश्चन निकाल रहा है, अब वो क्वेश्चन निकालते निकालते माना उसको 2 क्वेश्चन नहीं आए, अब रात को तो टीचर के पास नहीं जा सकता। तो हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल को सॉल्यूशन के फॉर्मेट में दे दिया। ये 43 बच्चे जो है ना दोस्तों, इस बार 700 प्लस के क्लब में, इनमें 7 बच्चा तो 12वीं के साथ ही है, 15 बच्चा फ्रेशर है, 16 बच्चा हुआ है जो सीएलसी फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और एक हमारा कृष्णा जहांगीर तो बहुत अलग एग्जाम्पल है, मेरा पड़ोसी बच्चा, मेरे घर के सामने घर है, वो तो केवी में 6ठी क्लास से पढ़ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10वीं तक केवी में पढ़ा, 11, 12 फाउंडेशन में आया और 12वीं के साथ वो 700 का नंबर जोड़ रहा है। एक बात और भी कहना चाहूँगा,
21, 22, 23, 24 के जो मेरे स्टूडेंट थे, आप सिलेक्ट हो गए, आपको शुभकामनाएं, पर आपके छोटे बहन भाई जो हैं, मैं चाहूंगा कि उनको आप सीएलसी के साथ जोड़ें। आपके सीएलसी दोस्तों कई जगह फैल चुकी है, कई ब्रांचेज की ओर हो गई हैं। यदि आपको एक अच्छे स्कूल, सीबीएसई स्कूल की तलाश है, तो आपको सावधान है, अपना स्कूल जो है CIS, सीएलसी इंटरेस्ट स्कूल, चेलासी में 40 बीघा फैला हुआ है, बहुत बड़ा स्कूल है, नर्सरी से लेकर 12th तक है, साइंस है, ह्यूमनिटीज है, कॉमर्स है, अपना हॉस्टल है वहाँ का, चेलासी के आसपास 40 किलोमीटर रेडियस में बसें जाती हैं, सीकर शहर से हर जगह से बस की व्यवस्था है, प्योर CBSE स्कूल चाहिए, तो आप CIS पहुँचे, एक बार विजिट करें कैंपस। उसके बाद यदि आपका कोई बच्चा, भाई बहन परिवार में कोई बच्चा 6ठी में आया है, 7वीं में आया, 8वीं में आया, 9वीं में आया, 10वीं में आया है, उसको यदि स्कूल चाहिए CBSE का, तो CIS हो गया। वो कहता नहीं यार श्रवण, CBSE नहीं, मैं तो RBC चाहिए। कोई बात नहीं, KVM आ जाओ। RBC के भी आपके पास हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है KVM में। KVM जो है उसका रिजल्ट देखें आप, ये राजस्थान के top 3 स्कूल में आता है। आपको फुल्ली राजस्थान बोर्ड का स्कूल बेस्ड काम करना, तो KVM आ जाए। उसके अलावा कई गार्जियन कहते हैं श्रवण सर, केवल स्कूल नहीं पढ़ाना आजकल, हमें बच्चे को चाहते हैं कि 6ठी से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से स्कूल लेवल पे उसको रीजनिंग का पता भी हो, उसको अच्छी मैथ पढ़ाई जाए स्कूल से थोड़ी ऊपर लेवल की, उसको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाए, SST ठीक तैयारी कराया जाए, तो उसके लिए बाकायदा CLC हाई स्कूल हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, तो आप CHS आ जाए, या आपकी 10th की बात होगी। 10th के बाद आपका बच्चा है, तो आप नीट के लिए, JEE के लिए, ND के लिए कहने की बात ही नहीं, आपकी CLC है। आज 10 मई को वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल 9 मई 2024 को रिजल्ट आया था NDA का। लगभग 50 बच्चे थे NDA में हमारे पास, उनमें से 15 या 16 बच्चे जो रात को रिजल्ट देख पाए मेरे वहाँ के सेंटर हेड, 15-16 बच्चे SSB क्वालिफाइड करते। एक बात करना चाहूँगा दोस्तों, आपने 21, 22, 23, 24 तारीख कहीं भी की हो, CLC में की हो, अन्य जगह की हो, अब आपको 25 के लिए CLC आना चाहिए। आप कहेंगे सर आपको कारण तो बताओ, आपके पास क्यों आना चाहिए, आपकी संस्था, आप तो कहोगे आपकी संस्था बढ़िया है। नहीं, मेरी संस्था ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, अभी आप रिजल्ट कंपेयर करें, सीकर के मार्केट को थोड़ा सा एक बार स्टडी करें, ऐसे नहीं आंख बंद करके फैसले नहीं करें। हम काम के बेस पे कोचिंग चलाते हैं, काम के बेस पे, वर्क के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, शिक्षा पे, सुरक्षा पे, संस्कार पे, सफलता पे कोचिंग चला रहे हैं। तभी मालिक 29 साल से ये कोचिंग राइजिंग मोड में है, पूरी साल सीकर लोकल के लोगों से बात भी करूं, लोकल बच्चे उनसे बात करूं, कई कोचिंग है हमारे पास, 30,000 बच्चा हमारे पास, IIT का 10,000 बच्चा, चलो आज उनकी बात मान लेते हैं। अभी रिजल्ट आया JEE मेन का, CLC का हर दूसरा बच्चा एडवांस में क्वालिफाइड है, 700 प्लस का जो क्लब है उसमें CLC का 0.6% बच्चा हाईएस्ट, ये डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यदि संख्या वाइज परसेंटेज निकालें तो देश में 700 प्लस के क्लब नीट 2024 में हाईएस्ट संख्या देने वाला, जहां तक डेटा मेरे पास उपलब्ध हुआ है, वो आपकी CLC है। तो मैं प्योर क्लासरूम की बात करूं, अभी DLP की बात नहीं कर रहा हूं। और DLP की बात मैं करूं तो साहब मुझे फक्र है मेरी टेस्ट सीरीज पे, कोटा में CLC एक ऐसा संस्था है जिसका टेस्ट सेंटर है, कुनाड़ी भी है, तलवंडी भी है। द लास्ट ईयर 2200 बच्चा इनरोल था, कोटा की हर कोचिंग की फीस देने के बाद भी वो लड़का हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है। सीकर किसी कोई कोचिंग नहीं है, बहुत हौस में कह रहा हूँ, जिसका बच्चा CLC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करता है। वो कहता साहब आखिरी पता लगा कि मेरी अंतिम नैया पारकू CLC की टेस्ट सीरीज कर सकती है, तब दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है, जो बहुत प्राउड होता है मेरी टीम पे कि मेरी टीचिंग टीम के बनाए पेपर जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। और एक बात बहुत हौस में कहता हूँ बच्चों, किसी संस्था का रिजल्ट देखने से पहले कुल कितने बच्चे रहे, प्लस आप उस संस्था में साल भर पढ़ रहे थे, वहां के टेस्ट का एवरेज और आपके नीट के एवरेज में क्या डिफरेंस है। मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे लॉलीपॉप खिलाते हैं, टेस्ट में 650 नंबर आ रहे होते हैं, एग्जाम 550 ही नहीं आते। हम साहब वीडियो के माध्यम से ओपन कह रहे हैं, यदि हमारे टेस्ट के एवरेज से किसी बच्चे के नीट में कम नंबर आए, आ जाओ हम आपको फ्री पढ़ाएंगे जी। ये बात होस्ट में कह रहा हूं साहब, प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, वीडियो प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, बंद कमरे बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी क्वालिटीज है। दूसरा, टीचिंग स्टाफ की बात करूं, सीकर में सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम स्टाफ किसी के पास, CLC के पास है। मेरे यहां 11th में एक अच्छी फैकल्टी पढ़ाता है, 12th भी पढ़ाता है, टारगेट पढ़ाता है, CLC जीतना भी सिखाती है, जीना भी सीखती है। कई बच्चे आते हैं कि साहब लास्ट ईयर CLC में थे, भूल सी कोचिंग चेंज कर लिया, वहाँ जाके बहुत मिस किया CLC को, आपकी याद भी आई, सिस्टम भी याद आया, सेलेक्ट नहीं हुई इसलिए वापस आ रहे हैं CLC के साथ। मैं एक ही बात कह सकता दोस्तों, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं।
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देश में जहां भी देख रहे हैं, यदि नीट और जेई 2024 में सफलता आपसे दूर रह गई, 16 मई 2024 को आपकी सेल्स जेई और नीट के सेपरेट बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। हाँ, ये बैच चलेंगे आगे तक, 15 जुलाई से चलेंगे एडमिशन, आखिरी बैच नहीं है, ये पहला बैच है। लेकिन इस बैच को दोस्तों हम 31 जनवरी 2025 को कंप्लीट कर देंगे। फिर आप जानते हो सीएलसी का बायोकेम, इकोफिजिक्स, दंगल और मैराथन। इस बार जो साहिल ने मैराथन का कॉन्सेप्ट दिया था, ये तो वही समझ सकता है जो 2024 में सीएलसी में था। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिससे आपको सीएलसी के बच्चे को अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अन्य संस्थाओं के बच्चों को सीएलसी आने के लिए ये बहुत से पॉजिटिव पॉइंट है। अब सीएलसी 2024 का बच्चा, हो सकता है कई बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको लगता होगा यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कोई इंस्टीट्यूट चेंज कर दूं। नहीं भाई, मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, सीएलसी में पढ़े हुए बच्चे से बात कर रहा हूं, आंख बंद करके सुनना एक बार। दोस्तों, आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे उससे बेटर अपने पास स्टाफ है, सारे टाइम पे क्लासेस लगती हैं, मूल फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है, पूरी साल आपके देश में सबसे ज्यादा टेस्ट कराने वाली संस्था सीएलसी है, जिसका स्टडी मटेरियल कंप्लीट भी सॉल्यूशन है, आपका कैंप लगता है। आज के टाइम में स्ट्रेस और ये जो समस्या है तनाव की, इन सबको दूर करने के लिए आपकी असेंबलीज होती हैं, मेंटरशिप के रूप में टीचर काम करते हैं। और चॉइस वर्ड याद करो, जब 25 अप्रैल से 2 मई तक मैराथन चला तो क्या पूरी फैकल्टी रात को 11 से 12 आपके साथ जगी नहीं? क्या रात को 11 से 12 डाउट नहीं बताएगी? बात पे लिखा हुआ सुरक्षा संस्कार नहीं है यार, आपको 11:30 डाउट बताए जा रहे हैं, मेरा तो दिया गया डाउट बताए गए, पूरी टीम एंजॉय करके आपको डाउट कर रही है। जिन बच्चे 8 या 2 अच्छा करना है तो आपकी तपस्या है, संक्रमण कोई गलती मत करना। अब इतना सब बताने के बाद दोस्तों, मैं हनुमान तो होने की सीना चीर के दिखा दूं कि सीताराम मेरे दिल में बसते हैं, मेरे दिल दिमाग रोम रोम में सीएलसी बसती है, मेरे सीएलसीएंस बसते हैं। एक बात और भी है, 12th के साथ यदि आपका स्कोर 630 तक बन रहा ना, तो भी मैं ये कहूंगा कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको वापस लग जाना चाहिए। जिंदगी में एक पल में लिया गया फैसला आपका जीवन बदल देता है, ओजल एग्जांपल है इसका। ओजल 11th में ऑनलाइन पढ़ी हुई बच्ची थी, 12th में सीएलसी आई, 12th के साथ 612 का स्कोर आया, पिता बेटी दोनों मेरे पास आए, उसके पिता मेरे व्यक्तिगत भाई की तरह कह सकता हूं, दोस्त कह सकता हूं। उनका क्या करें बोस, मैंने कहा दुआ तैयारी कराओ, तुरंत फैसला ले लिया, सामान हॉस्टल में पड़ा उठाया नहीं, आज वो लड़की 700+ के क्लब में, 700+ से बड़ा स्कोर है, मैं उसको कोट नहीं करना चाहूंगा, नजर न किसी के। पिताम्बर था 2022 में, 6,500 रैंक थी एडवांस में, मैंने कहा वापस लग, देश में वापस लगा, रैंक आई 1500, अच्छी आई टीम है। तो पिताम्बर जगावत की तरह, ओजल की तरह आपको एक रिस्क लेनी होगी। मैं तो कहता हूँ 630 नंबर तक आपके नंबर है 12th के साथ, तो आपको वापस आ जाना चाहिए। दोस्तों, कट ऑफ 620-22 के आसपास रहनी है, कट ऑफ लास्ट से 10-5 नंबर ऊपर जानी है। तो यदि आप कट ऑफ से नीचे हैं, कट ऑफ के आसपास हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिना टाइम वेस्ट किए वापस 16 मई का बैच ज्वाइन करना चाहिए। इसके स्कॉलरशिप भी हैं, ये एक बोर्ड की स्कॉलरशिप है, ये आप देख लो नीट और जेई के मार्क्स की स्कॉलरशिप है, उसके अलावा भी सीएलसी के बच्चे के लिए 21-22, 23-24 में उस हर बच्चे को सीएलसी बच्चा मानता हूं जिसने चाहे टेलीफोन करके इंक्वायरी की हमारे पास, चाहे वो टोकन कटवाया हो, चाहे अप्रत्यक्ष सेल्स जुड़ा हो, हम उसको अपना बच्चा मानते हैं। आप मिलो, आओ, पूरी टीम है जो एडमिशन सेल को डील करती है, आप मिलें, अपनी बात रखें। जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चे के लिए दरवाजा खुला था, खुला है, खुला रहेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब 5 को एग्जाम हुआ, 6 तारीख को बिहार के 4-5 बच्चे आके गले मिलके उन आंखों पानी था, उन्होंने कहा कि सर हम बिहार से आए थे राष्ट्रीय, आपका ये स्कॉलरशिप का पैकेज हमने देखा, तो यकीन नहीं हुआ हमें कि ऐसे कर सकता है क्या, तो हम डर के आए थे कि चलते हैं देख के आते हैं क्या होता है। हम 10 दोस्त आए थे तो 4 तो वापस चले गए थे, क्योंकि वो बच्चे आयुर्वेद कर रहे थे तो वो कन्फ्यूज थे, चले गए। हम 6 दोस्त रुके, वो 6 बच्चे सेलेक्ट हैं, उनसे वादा भी किया मैंने, उनके घर में एक लाइव भी करने आऊँगा। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, 14 मई से लेकर 30 मई तक डेली शाम को 6 बजे किसी न किसी गाँव में, किसी न किसी शहर में, कस्बे में, मैं किसी बच्चे घर लाइव करूँगा। आप 6 बजे रोज सुने, रोज जुड़े मेरे से, 14 मई से 30 मई तक नॉन स्टॉप रहेगा मेरा, एक किसी ना किसी कस्बे में जाऊंगा मैं, एक सफल बच्चे घर के आने सुनाऊंगा मैं। एक चीज और दिमाग भाई, कल ये किस्सा हुआ, हमारे लड़का जितेश कांटवा अभी 700+ क्लब में है, तो उसकी बहन 11th में थी, वो 12th में उसका मूड बन गया अब जाऊंगी सीन से, अब 12th का वो नया बैच था ही नहीं, तो साहिल ने कहा पापा नया बैच खोलेंगे। तो एक बात ध्यान सुन लेना, 12th के लिए नीट के लिए 16 मई 2024 से आखिरी नया बैच स्टार्ट करने, 11th के एडमिशन चल रहे हैं, 12th के चल रहे हैं, सारे एडमिशन ओपन है,
हर थर्सडे को बैच स्टार्ट होता है। ये हेल्पलाइन नंबर आप देख लें, clcseeker.com वेबसाइट, वहां जाके देख लें। और पूरे देश में इस वीडियो को आप जहां भी देख रहे हैं, आपको क्लासरूम ज्वाइन नहीं करना, केवल टेस्टरी ज्वाइन करनी है, तो ऑफलाइन में आप जानते हो सीकर है, अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, दिल्ली है, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर है। ऑनलाइन तो पूरे देश में आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तय कह सकता हूं कि 29 साल के बेस पे 4 साल की कहानी आप बताई मैंने, और सीएलसी का रिजल्ट कोई इस बार ही बाइक अच्छा नहीं आया है। सीएलसी क्यों श्रेष्ठ बताऊं, सीकर से, क्लासरूम से, दिल्ली एम्स में एक साथ 5 बच्चा अब तक सीएलसी आ गया है, जो जिस पानी की गहराई होती है शांत रहता है। मैं बोलता नहीं हूं, पर वो कहते ना, कहते अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए, तो बोलो धर्मराज जिए मर जाए। सर 29 साल से काम करने बाई चांस नहीं है, रिजल्ट पे आए, केयर पे आए, सेल्स से आए, विजिट करें। और दोस्तों पहले अकेला था मैं, आप तो मेरे दोनों बेटे साहिल और समर आप जानते हो। और एक बताओ साहब, उत्तरी भारत में सीएलसी वो कोचिंग है जिसकी अगली पीढ़ी, साहब प्राउड से कहता हूँ मेरे बच्चों पे, अगली पीढ़ी समर और साहिल जैसे शायद किसी के पास नहीं है जो फ्रंट पे खेलना शुरू हो गया, और उनके साथ जो टीम ने खेलना शुरू किया है, मतलब रात को 11 बजे से 12 बजे तक डाउट बता रहे टीचर, यार आप कल्पना कर सकते हो क्या? बताया भाई, इस वीडियो की एक बात झूठ हो तो आप मिले आगे समझ से। आपको यदि वाकई एक हीरे की तलाश है तो सेल्स से आए, नर्सरी से लेके 12 तक नीट, जेई, एनडीए, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन सबके लिए आपकी सीएलसी कोर्स देती है। ओके डियर, आओ सब मिलकर सपने देखते हैं, सपने बड़े करते हैं और सपने पूरे करते हैं। आपके इंतजार में आपका श्रवण, आपकी सीएलसी। नमस्कार।